जी नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं दफ्तरे चकवाल मैडम गजाला सफदर चौधरी से, जिन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, FIR, नज़रबंदी और जेल में भी असीरी के दिन काटे। आए मजीद जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। 9 मई के वाकयात के बाद जो आप पे बीती गई है, उसके बारे में आप कुछ नाजरीन को अपनी ज़बानी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। देखिए, 9 मई एक ऐसा दिलखराश वाक़ा है कि जो करने वाले भी खुद थे और कराने वाले भी खुद थे, लेकिन इसमें निशाना बनाया गया इमरान खान साहब को। 9 मई वाले दिन जब खान साहब को अरेस्ट किया गया, तो हम लोग तहसील चौक में पहुंचे। हम लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। यहाँ से अपने लीडरान ने, मुख्तलिफ लीडरान आए हमारे, उन्होंने स्पीचेस की और घर चले गए। दूसरे दिन पता चलता है जी, मेरे घर पे पुलिस आ गई है, 5-6 गाड़ियाँ लेके चारों तरफ से मेरे घर को घेर लिया जाता है। मेरे घर में एक बूढ़ी वालदा है, मेरी सिस्टर थी और एक छोटा भाई था और मैं थी। जब मुझे मतलब इस तरह बदमाशी से, गुंडागर्दी से मेरे दरवाज़ों को पीटा जाता है, मुझे मतलब बदतमीजी से पुकारा जाता है, जी कहाँ है, हम गिरफ्तार करें। मैंने कहा जी एक मिनट, मैं आपको गिरफ्तारी देती हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे को वारंट दिखाएं, मुझे को FIR दिखाएं। लेकिन उन्होंने कहा जी आप लोग थाने चले, हम फिर आपको बताते हैं। वहाँ से मुझे बदतमीजी के साथ थाने ले गए, थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद वो मुझे चकवाल ले आए, चकवाल शिफ्ट कर दिया थाना सदर में। थाना सदर में रात तक मुझे वहाँ बिठाए रखा एक अकेले बंद कमरे में। रात को 12 बजे जनाब DSP साहब साजिद गोंदल साहब थे उस वक्त, उनके साथ एक DSP थी या सब इंस्पेक्टर थी, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे रात को 12 बजे पूछा कि आप क्या हैं। मैंने, सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला साहब कहाँ हैं, आपके साथ थे एक लेडीज़ थी, वो कहाँ पे हैं, मौत मंसूर यासमीन साहबा। सेकेंडली आपने ये, इस पर आप एक्सेप्ट करें कि आपने ये किए। मैंने कहा जी हमने इस वक्त किया ही कुछ नहीं है, चकवाल में एक गमला तक नहीं टूटा, तो मैं कैसे आपको रिटर्न यहाँ पे लिख के दूँ। कहते हैं या आप ऐसा करें कि आप कहें जी मेरा PTI से तल्लक नहीं है, तो फिर तो हम आपको रिलीफ देंगे। अगर आपका PTI के साथ तल्लक है, तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। उस वक्त मेरे साथ तो ये पहला वाकया था, ना कभी जिंदगी में जेल देखी है, ना कभी थाने गए, ना मुझे पता था। लेकिन उस वक्त मैं खामोश हो गई। सुबह मुझे जब ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाता है, वहाँ से मेरी जमानत तो हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि DC साहिबा ने आपके 3 MPO के तहत आर्डर दे दिए हैं, आपको यहाँ से सीधा जेल में हम लोग शिफ्ट करेंगे। मुझे फिर पुलिस लाइन ले जाया जाता है, वहाँ रात गए तक बिठाया जाता है, रात के आखिरी पैर हमें फिर निकाला जाता है। उस वक्त शाम को हमारे साथ जो हमारे MNA थे, वो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा तैसा वो हमें मतलब ले जाया गया जनाब जेल। वहाँ कितने घंटे तो हम दरवाजे के आगे खड़े रहे। सुबह के टाइम था कुछ, तकरीबन अजानों से थोड़ा सा पहले हमें अंदर ले जाया गया और अंदर जाके जेल में दाखिल करवा दिया गया। जब जेल में तो फिर आप ना ही पूछें कि जेल में क्या होता है। जेल में मतलब है कि एक चक्की में मुझे बंद कर दिया गया, जहाँ पे मुझे पानी ना किसी ने पूछा ना दिया किसी ने। 2 दिन गुजर गए थे वहाँ पे, ठीक है। पानी अगर किसी से मांगा जाता था, तो वो कहते थे जी आपसे बात करना भी हमें मना किया गया, आप एक सियासी कैदी हैं। खैर, जैसे हालात थे जेल में, हमने हालात गुजारे। कुछ टाइम बाद मेरी जमानत हुई हाई कोर्ट से, चौधरी तलत एडवोकेट साहब, उनके साथ राजा आशिम साहब और राजा शफाक साहब, इन्होंने पिंडी हाई कोर्ट से मेरी जमानत करवाई। रात गए, जब मुझे वहाँ से जेल से निकाला गया जाता है, मुझे फिर बंद कर दिया जाता है कि बाहर हालात ठीक नहीं है जी, आपको हम नहीं निकाल रहे। फिर रात गए, मुझे दोबारा फिर निकाला जाता है। उसके बाद मुझे एडवोकेट जो थे मेरे साथ आए हुए, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ियों में बिठाया, वहाँ से ले गए। ले आए तो जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हैं, मतलब रेस्ट की है, सुबह जनाब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, क्योंकि मैं जेल में काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ। इतना बीमार रही हूँ कि ना मैं वहाँ खा पी सकी हूँ, ना कुछ खाने पीने के लिए मिला है। सुबह जब डॉक्टर के पास आ रही थी, मेरे साथ मेरी भाभी थी, वालदा थी। जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं चकवाल उड़वाल के पास, तो वहाँ पुलिस ने जनाब नाका लगाया हुआ था मेरे लिए स्पेशल। मैंने वहाँ से दोबारा गाड़ी रिटर्न कर ली, पीछे कर ली, दोबारा मेरे पीछे वहाँ से पुलिस लग गई पकड़ने के लिए। मैंने 50 किलोमीटर तक गाड़ी भगाई और 3 डाले मेरे पीछे से। फिर मुझे नीला से जो पुलिस थी, वो मुझे फ्रंट से वो आगे पकड़ने के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से बच बचा के खारा शहर में अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ एक जंगल में खड़ी करके खुद मैं भाग गई। पता चलता है जी उन्होंने वो पूरा घर और वो जगह कब्जे में ले लिया कि हम गाड़ी को तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हमें गिरफ्तारी चाहिए मैडम की। उन्होंने कहा जी हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है किधर है। खैर, ये गुंडागर्दी भी मैंने बर्दाश्त की, ये दिन भी गुजर गए। उसके बाद मेरे पे अब एंटी करप्शन का मुझे मेरे पे मतलब है कि वहाँ दरख्वास्त दे दी मेरे पे। रोज़ाना मुझे एंटी करप्शन बुलाया जाता है, कभी इस इंक्वायरी के लिए, कभी उस इंक्वायरी के लिए, जिसमें हमने कुछ किया ही नहीं है।
लेकिन यह है कि जहाँ चकवाल के बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, मैं खान साहब के साथ डट के खड़ी रही। बेशक मुझे मुश्किलें बर्दाश्त मैंने की, मेरी वालदा को हरासमेंट किया गया, मेरी सिस्टर को, मेरे घर को तोड़ा गया, नाजायज मतलब दोबारा कितनी दफा छापे पड़े। अभी भी मेरे पे एंटी करप्शन पे एक दरख्वास्त दी है जिसपे मुझे आए रोज इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जिसपे मुझे कल फिर जाना है इंक्वायरी के लिए। और एक FIR तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पे हुई है जिसपे मैं जमानत पे हूँ, वो यही सियासी वजह से। अच्छा मैडम, मुश्किल तरीन हालात में क्या आपने इलेक्शन कम्पेन में भी हिस्सा लिया? जी बिल्कुल, मुश्किल तरीन हालात थे। न सिर्फ कम्पेन में हिस्सा लिया बल्कि खान साहब का हुक्म समझ के, और हमने ये सोचा खान साहब जेल में है, ये हमारा फर्ज है कि हमने ये सीट निकालनी है। हमने जो याद मीर साहब का, जो हमारे मतलब खान साहब ने जो नुमाइंदे हमें दिए, हमने उनका निशानात उनके बदला दिए गए। हमने डोर टू डोर दिन रात एक करके हर घर में जाके इंतखाबी निशान बताए कि ये हमारे इंतखाबी निशान है, ये इमरान खान का नुमाइंदा है, आपने इसको वोट दे के असम्बली में पहुँचाना है और खान साहब को बाहर लाना है। तो हमने हर घर में तकरीबन इंतखाबी निशान बताया जाके, तो हमने वहां से रिजल्ट भी लिया अपने UC से, अपने गांव से। गांव में तो मैंने फ्रंट फुट पे आके तीनों वार्डों से मतलब जमनी में आके इनको जितवाया। 350 की लीड से मैंने जो है अपने हकीम निसार साहब को वहां से जितवाया था, जिसकी मद में फिर मेरे साथ इंतकामी करवाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन खान के साथ डट के खड़ी हूँ और इंशाल्लाह जब तक खून का आखिरी कतरा है इंशाल्लाह खड़ी रहूंगी। जी नाजरीन, आज हमारी मेहमान थी दुख्तर चकवाल गजाला सफदर चौधरी। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहिए, अल्लाह हाफिज़।